आज हम बनाने जा रहे हैं आलू जीरा। इसके लिए हमें चाहिए उबले हुए कटे हुए आलू, धनिया पत्ता, हरा मिर्चा, हींग, जीरा, नमक, हल्दी, जीरा पाउडर और चाट मसाला। हमने कढ़ाई में तेल डाला है, तेल को गर्म होने देंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे और कटा हुआ मिर्च डालेंगे। मसालों को कड़कने देंगे। अब हम इसमें अपने कटे हुए आलू डालेंगे, अच्छे से चलाएंगे, थोड़ी देर पकने देंगे। इसे ढकने की ज़रूरत नहीं है, बिना ढके ही हम बना लेंगे। 4-5 मिनट बाद हम इसमें मसाले डालेंगे, हल्दी, चाट मसाला, जीरा पाउडर और नमक। अच्छे से मिला लेंगे सब। आलू जीरा बनाना बहुत ही आसान है, एक छोटा बच्चा भी इसे बना ले। कुछ हो ना हो, अगर आलू है और जीरा है तो आलू जीरा आराम से बन जाएगा। अब इसमें कटे हुए धनिया पत्ता डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे, 2 से 3 मिनट और पकाएंगे और फिर हमारा ये जो आलू जीरा है वो एकदम तैयार है। दोस्तों, हमारा आलू जीरा बन गया है, ये यहीं पे तैयार है। आप चाहें तो गैस बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं 2-3 मिनट और पकाऊंगी आलू के ऊपर क्रस्ट लाने के लिए। आलू जीरा एकदम अब तैयार है, गैस बंद कर लें। आलू जीरा को हमने प्लेट में निकाल लिया है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।